कहाँ उधर नोट्स लेकर आ भाई, कल ले लियो यार नोट्स। ओ भाई अगर कल ही नोट्स लेने होते तो मैं आज यहाँ पर क्यों आता यार? देख कल पक्का दे दूंगा भाई, चार दिन से ना तेरा कल पक्का पक्का सुन रहा हूँ, वो तेरा पक्का ही नहीं आ रहा है भाई। कल वाला पक्का ना, बिल्कुल पक्के वाला पक्का है। अभी लेकर आ यार, जल्दी लेकर आ, जल्दी जा जल्दी। यार लिफ्ट नहीं चल रही यार, बार बार पूरा चढ़ के जाना पड़ेगा, उतर के आना पड़ेगा। कल ले लियो ना भाई, तू लेकर आ यार प्लीज। यार समझा कर यार, उतनी ऊपर जाना पड़ेगा। देख वैसे बहुत गर्मी हो रही है, मेरा दिमाग गर्म मत कर, जा लेकर आ। गर्मी हो रही है साले, मेरी हालत खराब हुई चढ़ने में ऊपर। अरे जाना है, बारह फ्लोर है। हाँ तो क्या हुआ, जा। हेलो 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 हेलो, ये आपका सामान गिर गया था वहां पर। थैंक यू। थैंक यू, कोई बात नहीं है। वरुण वाह यार, इस लड़की में बड़ा एटीट्यूड है, नाम बताया सीधा मुंह फेर लिया। ओए, ये ले नोट्स। यार तू तो बड़ी अच्छी सोसाइटी में रहता है। क्यों? तुम्हें कभी बताया नहीं कि इतनी अच्छी लड़की तेरी सोसाइटी में रहती है। लड़की सोसाइटी में? मैं साले बाज हूँ, सब पता है मेरे को, कौन सी चिड़िया कहाँ रहती है। कोई नहीं लड़की यहाँ, ले। अबे बस कर बस कर। अबे यहाँ कोई लड़की नहीं रहती, ले और जा। देख वो सामने वाली बिल्डिंग देख रहा है, मैंने उसे वहां जाते हुए देखा है। वो वाली? हाँ। कोई नहीं रहता वहां, ले। तुझे के सब पता है क्या भाई? सोसाइटी में हर फ्लोर पे हर फ्लैट में क्या पक रहा है ना, सब पता रहता है मुझे। जा चल। लो भाई से कम थोड़ी है तू। इतनी लेट कहाँ हो गई? लिफ्ट खराब थी इसलिए स्टेयर से आना पड़ा। अच्छा आप बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। एक सेकंड, तूने तो बोला था कि खाना बन चुका है। तुझे ना शादी करके सबसे बड़ी गलती करी है मैंने अपनी जिंदगी की। अच्छा होता तो उसे शादी ही ना करता। सॉरी। अभी काम करियो, जो खाना बनाया ना खुद खा लिया, समझी? सुनो पीछे हट। क्या बात है, देख रहा हूँ आजकल तू बहुत पैसे खर्च कर रहा है, पैसे आप कहाँ से लेते हो? बस कुछ नहीं यार, मैं अपनी नॉलेज का यूज करके प्रोबो ऐप पर पैसा कमा रहा हूँ। प्रोबो ऐप, ये क्या है? प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको हाँ या ना में जवाब देकर आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हो बहुत आसानी से। अच्छा तू बता, तूने कितने कमा लिए अभी तक? देख जैसे कि एशेज का फर्स्ट टेस्ट मैच है, तो इसमें क्या सवाल है कि जो उस्मान ख्वाजा है ये 50 से ऊपर रन मारेगा, तो मैंने इसमें यस कर दिया। और ये देख ख्वाजा ने सेंचुरी मार दी और मुझे लाखों रुपए का प्रॉफिट हो गया। यार ये तो बड़ा मजेदार ऐप है। हाँ भाई, जैसे कि देख प्रोबो पर बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और बहुत सारी। और तुझे पता है 1 करोड़ लोगों ने ना इस पे अपना ओपिनियन देकर प्रोबो पर पैसे कमाए हैं। देख जैसे कि एशेज 2023 की सीरीज चल रही है, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज 2023 जीतेगी इंग्लैंड के खिलाफ, तो बता तेरा क्या ओपिनियन है? अबे ऑब्वियसली बात है, ये भी कोई पूछने की बात है, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया टीम भी बढ़िया है। देख जैसे कि मैंने यहाँ पर यस सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने क्वालिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपना जवाब दिया, अगर मेरा जवाब सही निकलेगा तो मैं जीतूंगा यहाँ पर रियल कैश। अच्छा मुझे ये बता, मैंने पैसे जीत लिए लेकिन पैसे वो मैं निकालूंगा कैसे? भाई तू यहाँ पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम किसी भी मेथड से 24/7
अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकता है। और यही नहीं भाई, तू मैच के दौरान अलग अलग सवालों पर हाँ या ना में जवाब देकर इंस्टेंट पैसे जीत सकता है। तो तूने मेरे को पहले क्यों बताया? अरे तो क्या हो गया, अभी डाउनलोड कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और तुझे पता है अगर तू अभी डाउनलोड करेगा प्रोबो ऐप को तो तुझे मिलेगा 25 रुपए का वेलकम बोनस। तो अभी डाउनलोड कर प्रोबो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। घर जा भाई, कोई नहीं आने वाला। अरे जा रहा हूँ यार, शायद वो आ जाए। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं आएगा, तू घर जा। यार मेरे को लगता है तेरी आंखों की ना रोशनी जाने लगी है, चेकअप करा। सामने देख, वो आ रही है। अबे यार ये तो बहुत गलत बात है, मतलब माना जानती नहीं है लेकिन इतना एटीट्यूड देखा भी नहीं। तो इसकी बात कर रहा था? हाँ इसकी। हाँ यार, जो भी यहाँ से निकल के गई है इसकी। अरे तू बहरा है क्या? 3 बार बोल चुका हूँ। हाँ तू जानता है वो कौन है? कौन है? साले शादीशुदा है वो। क्या? हाँ नहीं तो झूठ बोल रहा। माँ कसम, और भाई उसका पति तो जल्लाद है ना, इतना टॉर्चर करता है उसे। और रही बात तेरी, तेरे को तो मार ही देगा वो, पता नहीं बस उसे। सच्ची चाहता है ना तेरे हाथ पैर आंखें सलामत रहे, पढ़ पाए लिख पाए। निकल जा घर, आइए मत दोबारा यहाँ। जा, लड़की पटाएंगे। देखो मुझे ना आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप उसका आंसर दोगी या नहीं, या कहीं मेरे बारे में कुछ गलत ना समझो। पूछो। आप मैरिड हो? हाँ। सच्ची? हाँ। लगती नहीं हो। हो गया आपका? नहीं बस एक 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 लास्ट क्वेश्चन और है बस। बोलो। मतलब आप इतनी अच्छी, देखो मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप इतनी अच्छी हो, आप इतना सैड सैड क्यों रहती हो? मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं समझती, और आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश ना करें। देखो मतलब अब तू किसी से ही बात करेगी, किसी से ही बात करेगी है? कौन था वो, किससे बात करी थी? मुझे नहीं पता कि वो कौन था, वो खुद से आया था मुझसे बात करने के लिए। अच्छा मतलब तू बहुत हुर की परी है ना, तू लड़के खींचे चले आते तेरे पास है, उससे आया था? अरे मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती, सब कुछ भी नहीं है। मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी बात सुन, मैंने तुझे किसी लड़के से बात करते हुए देख लिया ना, जानते मार तुम्हारा। बता यार, इतनी प्यारी लड़की है और इतना उदास रहती है। पहली बात तो लड़की नहीं है, किसी की बीवी है। लड़की नहीं, नहीं हाँ हाँ लड़की है लेकिन किसी और की है ना। देख यार मैं पता तो करके रहूंगा कि बात आखिर में है क्या। क्या लगती है तेरी वो है, बट टूट जाएगा खामखा में। यार देख, अगर मेरी वजह से किसी को खुशी मिल रही है, किसी की हेल्प हो रही है ये बताकर, तो शायद कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए तू टेंशन ना ले, मैं पता कर लूंगा। होगी, बड़ी अच्छी हेल्प होगी। टांगे तेरी टूटेंगी, हाथ मेरे टूटेंगे। हेलो 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 हेलो, ये सब चोट कैसे? प्रॉब्लम क्या है? ये सब चोट कल तक तो नहीं थी। हाँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहीं है तुम्हारे हस्बैंड ने तो नहीं? देखो मेरी लाइफ में ना ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम और क्रिएट मत करो। अगर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बता दो ना तो दर्द
हल्का होता है। हमारी लव मैरिज फैमिली से दूर आ गए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन जब से इनकी जॉब गई ये बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगे, इनको मेरी हर बात गलत लगने लग गई और उसके बाद ये तुम पर हाथ छोड़ने लग गया। छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, इसे भी अपनी पूरी लाइफ इन्हीं के साथ बितानी। अबे यार ऐसे तो ये दरिंदा तुम्हें जान से मार देगा। हाँ बस वही बाकी रह गया। देखो सॉरी व्हाट्स योर नेम? सुरभि। देखो सुरभि, माना जो हुआ गलत था, लेकिन अब जो गलत हो रहा है उसे तो रोकना पड़ेगा ना। नहीं रोक सकते और रोक कर जाऊंगी भी काम। देखो जो माँ बाप होते हैं ना वो कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते। एक टाइम को बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाएंगे लेकिन माँ बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते। अगर तुम नहीं रह पा रही हो तो डाइवोर्स ले लो, वरना दरिंदा तुम्हें सच में मार देगा। देखो तुम क्यों इन सबके बीच में पड़ रहे हो? I don't know सुरभि कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में। शायद मैं उनमें से हूँ जो तुम्हें लाइक करता लेकिन बता नहीं पा रहा, ये सोचकर कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो सके। एक लफ्ज़ नहीं, सही रंग दिखाया ना तुमने अपना? नैना अश्को से मिल रही अपने? बस बहुत हो गया, पिछले 6 महीने से यही सब सह रही हूँ मैं। तुम बदल गए हो आर्यन, वो इंसान भी जिससे मैंने प्यार किया था। वाह बहुत बढ़िया, अब तेरा झूठ पकड़ा गया है तो यहाँ पर ड्रामे कर रही है। अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे खराब करता हूँ, अब तू रह के ले यहाँ पे। अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुमसे प्यार करती हूँ, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? सुरभि अब तू और मेरे साथ में नहीं रह सकते, मेरी बीबी बाहर मुंह मार रही है और फिर भी मैं उसके साथ में रहूं, अब उसका डाइवोर्स। पागल वागल हो गया है क्या यार? तुझे पता है वो बंदा ना एकदम दरिंदा है। यार वो दरिंदा हो या कुछ भी हो, तुझे उससे करना क्या है? लेकिन अरे क्यों नहीं करना यार, मेरा कोई मतलब नहीं है क्या उससे? देख मेरी बात सुन। तू मेरी बात सुन, वो मुझे अच्छी लगती है, अब मुझे ये नहीं पता कि ये सही है या गलत। चल रुक जा, पानी लेके आता हूँ मैं, ठंडा हो जियो पी के। साले क्या हुआ भाई? क्या हुआ? मेरी बात सुन। भाई 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 गलती हो गई, माफ कर दो भाई प्लीज। अबे साले बीवी है मेरी, साले जान से मार दूंगा उसकी तरफ आंख भी उठाई तो। तू और कुछ कर भी नहीं सकता। तेरी तो भाई 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 भाई, भाई, भाई मैं समझा दूंगा भाई, भाई इस बार माफ कर दो प्लीज। समझा इसे वरना साले को जान से मार दूंगा मैं। भाई समझा दूंगा, दिखना नहीं चाहिए तुम्हारा। पागल वागल है क्या? तेरे को बोल रहा था ना मैं, दिक्कत हो जाएगी। बस अब बहुत हो गया, अब मैं जाऊंगा सुरभि के पास और उसे सीधा बोल दूंगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। भाई ये कम था क्या? अबे बहुत हो गया यार, मुझे नहीं पता, अब मैं उसे बताऊंगा और इस दरिंदे से बचाऊंगा। भाई मेरी बात सुन वरुण। कल शाम तक डाइवोर्स के पेपर आ जाएंगे और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। क्या गलती है मेरी? गलती जैसे तू मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैंने खराब करी या तुमने खुद ने करी? मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम ये सब कर रहे हो मेरे साथ। जैसे तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, मैं कहाँ जाऊंगी आर्यन? कहाँ जाएगी तू? बाहर अपने आशिकों से मिलती है तो बाहर मिलने की जरूरत नहीं है ना, ये इतना बड़ा घर है, घर बुला। मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ।
हाय। वरुण तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मेरा मूड खराब मत करो। एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा पता है तुम मुझसे क्या बात करनी है? यही ना तुम मुझे लाइक करते हो। हाँ करनी तो ये है, लेकिन मैं आज कुछ और बात करने आया हूँ। देखो वरुण मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। ओके वाह क्या सीन है। वैसे ये बहुत अच्छा सबूत है, डाइवोर्स मिलने में ना आसानी होगी मुझे। अबे तुझे शर्म नहीं आती क्या? वरुण तुम जाओ यहाँ से प्लीज। यार सुरभि ऐसे लोगों को ना जान से मार देना चाहिए जो लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। अबे ओ तू इधर आ। सुन बे बीवी है मेरी, जो मर्जी आएगा ना वो करूंगा। तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? मैं होता तो कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे चाहने लग गया हूँ। निकल जाए यहाँ से। तुम जाओ ना यहाँ से। निकल जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगा। प्लीज जाओ ना। फिर से बोला ना चला जा। रुक गया मार। अरे हट। कल तक ना डाइवोर्स के पेपर तेरे पास आ जाएंगे। और तू तुम पागल हो गए हो क्या? ये है तुम्हारा प्यार, इसको तुम प्यार बोलती हो? अगर ये तुम्हें प्यार करता ना तो ये सब नहीं होता। देखो वरुण मैं अब कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती? अरे तुम बहुत कुछ कर सकती हो। अपने घर चली जाओ, इसे डाइवोर्स देकर खुश रहोगी। तू एक बात बता, तेरे को पिटने मजा आ रहा है? तेरा मुंह टूट रहा है बार बार, अच्छा लग रहा है? छोड़ना है यार। छोड़ रखा है तो पिट भी रहा है। यार तुझे पता है मैं उसके हस्बैंड को जवाब दे सकता हूँ, लेकिन यार सुरभि उससे प्यार करती है। अगर मैं उससे कुछ बोलूंगा तो सुरभि को हर्ट होगा, और सुरभि को हर्ट होगा तो फिर मुझे भी हर्ट होगा। वेट वेट, तुझे हर्ट क्यों होगा? बिकॉज आई लव हर। जब उसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा मैं अपनी फीलिंग्स बता दूंगा उसे। बढ़िया लगे रहो। सुरभि कहाँ जा रही हो तुम? वरुण सब खत्म हो गया, मैं अपने घर जा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है, और देखना जैसे तुम घर जाओगी ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें देखते ही सीधा हग कर लेंगे। I hope so, ऐसा ही हो। And thanks, मुझे समझने के लिए। सुरभि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। वरुण देखो मैं ना अब ये प्यार व्यार नहीं कर सकती, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरा और आर्यन का 7 साल का रिलेशन था, शादी के 6 महीने बाद ही उसने ये सब करना शुरू कर दिया, तो अब ये प्यार तो मुझसे नहीं होगा। देखो मैं मानता हूँ तुम्हें हर्ट हुआ है, लेकिन देखो वरुण मैं प्यार नहीं कर सकती, और शायद मुझे तो ये भी नहीं पता कि प्यार होता क्या। ऐसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं, एक बार ट्राई तो करो। वरुण प्लीज अब देखो मेरी कैब भी आ गई, बाय। रसता किया देखे बिछड़नी तो का सारी सारी रात जगाए सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें मेरे सारे गीत बने दिल की फरियादे ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी के घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी।
गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी है। और गाइस अगर आपके पास अपना पर्सनल ओपिनियन है तो उसे ऐसे वेस्ट मत करो, या गली पर या मोहल्ले में या किसी नुक्कड़ पे, प्रोमो ऐप पर जाओ, अपना ओपिनियन दो और पैसे जीतो। और गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्रोमो ऐप को डाउनलोड करो और अभी डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा ₹25 का वेलकम बोनस। तो देर किस बात की, डाउनलोड करो प्रोमो ऐप को। लव यू।